फ़ोन डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल का फ़ोन डायलर है और इसमें जो है आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, यानी कि किसी से भी आप बात करते हो, तो ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल फ़ोन डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालोगे, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सिखाएंगे। ओके, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू से शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल फ़ोन डायलर पर आ जाना है। ओके, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इधर जो मैंने किसी से भी रिसेंटली में बात नहीं किया। ओके, उसके बाद ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। ओके, सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना है, तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा कॉल रिकॉर्डिंग का, तो इस वाले कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, देन इधर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट रिकॉर्डिंग्स का, तो इस वाले डिलीट रिकॉर्डिंग्स पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है इधर आपको क्या करना है, आफ्टर 30 डेज पे आपको क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो इधर आपके मोबाइल फोन ने ये वाला स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल फोन ने कॉल रिकॉर्डिंग फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बाइक आना है, उसके बाद आपके मोबाइल फोन ने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आपको जो है सर्च करना है गूगल का फ़ोन डायलर, उसके बाद आपको यहां से अपडेट कर लेना है। ओके, अपडेट करने के बाद जो है आपको सिंपल तरीका आपको यहां से डायरेक्ट ओपन कर लेना है। ओके, चलिए अपडेट हो चुका है, यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। ओके, फ़ोन डायलर को ओपन करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग में आ जाना है। ओके, सेटिंग में आने के बाद इधर देखिएगा कि आपके मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का इधर ऑप्शन आएगा, तो इधर आपको वो वाले सेलेक्ट कर लेना है। इधर जो है हमारे फ़ोन में वो अपडेट नहीं आ रहा। ओके, ये जो मोबाइल फ़ोन जो है लेटेस्ट वर्जन का नहीं है, ओल्ड वर्जन का है। ओके, तो इधर जो भी लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल आ रहा है उसमें जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, चलिए मैं कस्टमर केयर को यहाँ पर कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, मैं कस्टमर केयर को कॉल कर लिया हूँ, यहाँ पर मिनट्स भी स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब दोस्तों आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए मोड पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, तो रिकॉर्ड क्लिक कर लेना है, तभी जो है आपके मोबाइल फोन में किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। ओके, तो गाइस फॉर यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके मोबाइल फोन में गूगल फोन डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो आप जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जो है अपने मोबाइल फोन में गूगल फोन डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कर पा सकते हो। ओके, अगर दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन जो है लेटेस्ट वर्जन का आपने बाय किया है, आप यूज़ करें तो उसमें जो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो पाता है। ओके, तो ये था दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सा सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी वीडियो में कमेंट का रिप्लाई और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है कमेंट के थ्रू आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।